हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे इस तोरे के छिलके की कबाब बनाएंगे और कबाब को मसाले की फिर हम सब्जी बनाएंगे। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है, इस तोरे के छिलके आपको फेंकना नहीं है, कभी भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने तोरी ली थी और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देख सकते हैं कहीं भी ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से हमें इसको अभी अभी धोकर लाए हैं। और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे और जो अंदर की तोरी है वो भी आपको फेंकना नहीं है, आप उसको सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो। और बड़ी जो छिलके हैं इसके हम भाप में बेसन के साथ कबाब बनाएंगे और उसकी फिर हम मसालेदार न्यू सब्ज़ी बनकर तैयार करेंगे। ठीक है, अब हम छिलका उतारना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इस तरीके से हम इसकी ये पार्ट हटा देंगे इस तरीके से, और इसकी एक मोटी मोटी लेयर इसमें से तुरई तुरई से उतार लेंगे, जिसकी के हम कबाब बना सकें। इस तरीके से इसका छिलका उतार लेना है धुल के, और इसको हम भाप के साथ इसका एक हम मछली स्टाइल पीस बनाकर तैयार करेंगे, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप मछली की सब्जी बनाना भूल जाएंगे। जब आप तोरे के छिलके की सब्जी बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। आप तोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको सब्जी मसाले की या हरी मिर्च की अंदर वाला पार्ट आप बना सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से सारे तोरे के छिलके हम उतार लेंगे। देख सकते हैं इसके हमने दो भाग कर लिए हैं। देख सकते हैं गाइस, इसका ये वाला भाग हटाते जाएंगे और इसका बिल्कुल साफ सुथरा छिलका उतार लेंगे।
ये देखिए गाइस, ये मैंने मोटी वाली तोरी ली थी और इसकी हम ऐसे ही छिलके मोटे मोटे थोड़े से उतार लेंगे। मैंने पतली तोरी नहीं ली थी, ये हमारी मोटी मोटी तोरी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। इसको किस तरीके से बनाना है वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपके समझ आएगा। आप मांस मछली बनाना सब भूल जाओगे, इसके आगे बहुत टेस्टी बिल्कुल मांस की तरह लगती है। ये मछली वाला शेप देंगे हम इसका। तो देखिए गाइस, अभी हम अपनी तोरई हटा लेंगे इसमें से और छिलके का एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सारे छिलकों को उतार लिया है। अभी इन छिलकों, ये हमारे डंठल थे, ये मैंने हटा दिए हैं साइड से, इसको साइड कर देते हैं। अब ये जो हमारे छिलके हैं, अब हम इनको महीन महीन क्रश कर लेंगे क्योंकि इसका हमें एक पतला होल पर तैयार करना है और फिर बेसन में भी इसको डालना है। ये देखिए इस तरीके से महीन 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 इसको धनिया की तरीके से काट लेना है। देखिए जिस तरीके से हम काट रहे हैं, जैसे पालक मूली मेथी काटते हैं उसी तरीके से इसको भी हमें महीन महीन आकार में काट लेना है। जी देखिए, आप चाहे तो हसिए से, ये चक्कू से, कैंची से, किसी से भी काट सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पकड़ लीजिए, मतलब आपको इसी तरीके से काटना है। आप किसी भी हेल्प से इसको काट सकते हो, जिस जैसा मर्जी हो आपको उस तरीके से, पर हम चक्कू से ही काट रहे हैं और किसी से मुझे नहीं काटना आता है। देखिए इसी तरीके से हम सारा काट। देखिए गाइस, तो मैंने इस तरीके से सारे तोरे के छिलकों को काट लिया है। अब इसमें मिलाएंगे हम कुछ मसाले। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये है हमारे पास गरम मसाला, हमें ये भी डालेंगे। देखिए तो हमने इसमें कुछ मसाले डाल लिए हैं, जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और भुंजा हुआ जीरे का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें अब प्याज भी हम महीन महीन काट के डालते हैं। ये देखिए इसमें मैंने प्याज भी डाल दी है। अब हम कर लेते हैं अपना मसाला तैयार, लहसुन और प्याज। इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम, ये हमारा बेसन है, अब इसमें हम थोड़ा बेसन भी ऐड करेंगे जिससे कि रोल बन जाए और भाप में आने में
दिक्कत ना आए। रोल बनाकर हमें इस उसमें रख देंगे भाप के लिए, क्योंकि भाप लग के मछली वाला आकार दे सके। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसमें बेसन मिला लिया है और हाथों से इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है। देखिए हल्का सा पानी लगा रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो बेसन भी और डाल सकते हैं, वरना हम इसी से रोल बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लिया है, जिससे कि रोल अच्छे से बन जाए, मछली वाला आकार दे सकें। बस अब हमें इसी में से लंबे लंबे रोल बना लेना है और फिर उनको भाप देना है। ठीक है, देखिए ये मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें बहुत सारा पानी भर दिया है। इसके ऊपर रख देंगे ये छन्नी, और छन्नी से हम ये मैंने लंबे लंबे बना लिए हैं और इसको अब हम देंगे भाप। देख सकते हैं इसको हल्का सा और लगा लिए, जिससे कि अच्छे से हट जाए। देखिए हमारा मसाला लहसुन प्याज अदरक और थोड़ा सा गर्म मसाला, इस काले पान पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे जब तक हमारा ये पानी खोले। देख सकते हैं गाइस हमारा पानी खोल गया है, इसे डाल देते हैं चटनी और ये मैंने जो बनाए थे मैंने ये हल्के आग से रख देंगे इसे।
और हम इसको इस पनीर से कवर कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं हम आपको ये हटा के दिखाते हैं पनीर। हम आपको उलट के पलट के दिखाते हैं। हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। ये हमारे पक गए हैं, टाइट भी हो गए हैं। देखिए अच्छे से उठ भी जा रहे हैं। अब हम इनको एक मछली वाला सेप देंगे। ठीक है, जब तक के लिए हम गैस बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। देखिए ये बिल्कुल भी मुलायम नहीं, ये बहुत टाइट हो गए हैं। अब छुरी की मदद से हम इनको एक मछली जैसा आकार देंगे। ठीक है, इसको हम पतला पतला काट लेंगे इस तरीके से, जिससे कि तलने में दिक्कत ना आए। देखिएगा इस तरीके से हम लंबा लंबा इसको काट लेंगे। सारी की सारी हम ऐसे ही काट के देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल मैंने मछली के डिज़ाइन के ये मैंने काट दिए हैं। देख सकते हैं आप जिस तरीके से मछली का पीस होता है, उसी डिज़ाइन के काटे हुए हैं हम। और ये ऐसे ही हम मसाले में बनाएंगे। चलो चलते हैं गैस पे, कांटे हैं इसको हम फ्राई करेंगे। एक पतीला रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। इसी ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, देखिए गाइस हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। देख सकते हैं इसमें हम फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है इसी तरीके से। आपको तेज आंच में नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे। ये मैंने फ्राई कर लिया है। ज़्यादा काले नहीं करना है, वरना ये जल जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे फ्राई कर लेना है। तो देखिएगा इस तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। इसको ढक देते हैं और ये हमारा पतीले में तेल गरम हो रहा है। इसको बनाएंगे हम जैसे कि मछली बनाते हैं उसी तरीके से। हमारा तेल गरम हो जाएगा, उसको हम मेथी से छौंकेंगे, फिर हम अपना मसाला फ्राई करेंगे। देखिएगा हमारा तेल गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम ये मेथी। ये मेथी डाल दी है, ये मैंने जो प्याज का पेस्ट तैयार करा था वो भी इसी में डाल देंगे।
देखिए हम डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, डालेंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे नमक स्वाद अनुसार क्योंकि मैंने पहले भी डाल दिया था उसमें, आपको मैं गाड़ी के हिसाब से डालना है। देख सकते हैं गाइस मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसी में डालेंगे थोड़ा सा पानी, देखिए ये हमारा अच्छे से बन गया है, अब इसी में हम सारे पीस अपने उठा उठा के इस तरीके से डिप कर देंगे, पूरे ना पाए ठीक से आपको डालना है। इसी तरीके से आपको भी करना है, बिल्कुल तोरई की सब्जी के तोरई के छिलकों की रेसिपी बिल्कुल न्यू होगी। पाँच मिनट इसको ढक के पका लेना है, देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है और ये बहुत अच्छे से पक भी रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से बनाना है गाइस, जब भी आपके तोरे की छिलके की सब्जी बनकर तैयार होगी मछली स्टाइल में, देख सकते हैं आप कितना प्यारा कितना अच्छा टेस्ट आया और कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। आपको कभी भी तोरे की छिलके नहीं फेंकना है, उसका भी यूज़ कर लेना है, तोरे करते हो वो तो करते ही हो, और उससे पहले भी सोच लेना है कि हमारा तोरे का छिलका है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा सब्जी बनाने में न्यू तरीका है।
तो देख सकते हैं गाइस, सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। गैस कर देते हैं बंद।